तो यार इस वीडियो में मैं आप लोग को बेंटन की दुनिया के टॉप 3 ऐसे गजब के फ्यूजन के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आप भूल ही गए होगे या फिर जानते ही नहीं होगे। तो फिर आओ यार बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो यार नंबर 3 में जो फ्यूजन आता है वो है ये। और यार इसका कोई ऑफिशियल नेम तो नहीं है लेकिन ये एलियन दो एलियन का फ्यूजन है जो कि क्लॉकवर्क और टेक्नो बबल जिसको हम लोग अपग्रेड बोलते हैं। और ये हम लोग को सबसे पहले दिखाया गया था बेंटन ओमनीवर्स के एपिसोड इट्स मैड 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 बेन वर्ल्ड पार्ट 1 में। तो फिर अब सवाल बनता है कि जब बायोमेट्रिक्स इससे अच्छे एलियंस को क्रिएट कर सकती है तो फिर ये नंबर 3 में क्यों? तो गाइस इसका जवाब सिंपल है, ये एलियन नंबर 3 में जगह इसलिए बना पाया क्योंकि ये इकलौता ऐसा एलियन है जिसके अंदर दो बेंटनिसन है। और एनिमेशन में भी हम लोग को पहली बार ऐसा दिखाया गया है कि दो बेंटनिसन एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर नया एलियन बन रहे हैं। तो नंबर 2 में जो फ्यूजन आता है वो है नाइलजियन डिस्ट्रक्टर। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, दरअसल ये हम लोग को दिखाया गया था बेंटन एलियन फोर्स के एक एपिसोड बजी बॉक्स में। और दरअसल ये बॉक्स ही नाइलजियन डिस्ट्रक्टर है जो कि एक लेवल 20 टेक्नोलॉजी डिवाइस है। और इसकी एबिलिटी ये है कि ये जिसको भी देखता है उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनकी पावर्स एंड एबिलिटीज को कॉपी कर पाते हैं। और उसके अलावा इसके पास एक कमाल की एबिलिटी है जो कि ये अपने ही ट्रांसफॉर्मेशन को कंबाइंड करके एक न्यू क्रिएशन कर सकते हैं जिसको मैं काइंड ऑफ फ्यूजन कह रहा हूँ। और अगर बात करें इसकी फ्यूजन की तो ये फ्यूजन है ह्यूमंगस और स्पाइडर मंकी और स्मॉग फायर का। और इसके हाथ में जो आप देख रहे हो वो दरअसल वेपन है व्रीडल ब्रदर्स का। और यार ये फ्यूजन नंबर 2 में जगह इसलिए बना पाते हैं क्योंकि एनिमे में हम लोग का ऐसा पहली बार हुआ है कि तीन एलियन एक साथ फ्यूज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई ये नंबर 2 में। तो फाइनली नंबर 1 में जो फ्यूजन आता है वो है ये। और ये हम लोग को दिखाया गया था बेंटन की कॉमिक टूसम में। अब यार ये फ्यूजन का कोई ऑफिशियल नाम तो नहीं है लेकिन ये बेंटन की ऑफिशियल कॉमिक में दिखाया गया है। और क्योंकि ये हम लोग को ऑफिशियल कॉमिक में दिखाया गया है इसका मतलब ये ऑफिशियल है। और ये फ्यूजन है बेंटनिसन जूली और अल्टीमेट स्मॉग फायर का। और गाइस इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के रख चुका हूँ, आप चाहो तो ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हो या फिर मैं उसको एंड स्क्रीन में दे दूंगा। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो मेरा एक काम कर दो, इस वीडियो में कमेंट करो और ऐसे कमेंट करो कि जिसको पढ़कर अच्छा लगे, मतलब कि पढ़कर मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई और वीडियो बनानी है। और अगर आपको जूनियर आर्टिस्ट एक्स नाम का ये यूट्यूब चैनल डिजर्विंग लगता है तो यार सब्सक्राइब करो क्योंकि यार 6 महीने हो गए और अभी तक 100 सब्सक्राइबर नहीं हुए और मैं चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर हो। तो हाँ यार मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। You're a superhero.